तभी बेटर है। आपण आता अस्मिता ऑर्गेनिक फार्मच्या घनजीवामृत ना या प्लांटवरती आहोत। मुजफ्फर हुसेन साहेबांनी सांगितलं की शेणाचे गोबरचे 4-5 प्रकारे वापर होतो आणि तो प्रत्येक शेतकऱ्याने केला पाहिजे। हे घनजीवामृत म्हणजे नेमकं काय हे आता आपण आता ही मातीसारखं दिसणारं शेणखत आहे असं मला कळलंय, पण इथे सगळी मातीच आहे। बघा आपण साहेबांना विचारून की एक्झॅक्टली हे काय आहे आणि कसं प्रोसेस केलं जातं, याचा वापर कुठे होतो साहेब? ये गाय का गोबर है और गाय के गोबर को एक महीना पूरा प्रोसेस किया जाता है और तब जाके ये इस तरह से चाय की पत्ती की तरह रह जाती है। आप देख सकते हैं कि ये हाथ में भी नहीं चिपकता और ये बिल्कुल ऐसा पत्ती की तरह हो जाता है। ये गोबर है और इसमें इसका जो प्रोसेस है ये मैं अभी आपको बताता हूँ हम किस तरह हमने जो इसका नेचुरल प्रोसेस है। वो गोबर का बेड बनाया जाता है, अगर ज्यादा मात्रा में आपको लगता है तो 1 टन गोबर और उस पर 400 लीटर जो जीवामृत हमने वहां पे देखा है, 400 लीटर जीवामृत उस पर डाला जाता है और बड़ी संख्या है तो आपको ट्रैक्टर से रोटावेटर घुमा करके आप देख सकते हैं कि जब रोटावेटर घुमाते हैं और जीवामृत डालते हैं तो वो उसको इस तरह से बारीक कर देता है। तो एक हफ्ता पहले 7 दिन 1 टन गोबर पे 400 लीटर जीवामृत डाल करके मिक्स करके आपको उसको छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट वीक में दूसरे हफ्ते में फिर आपको उस पर 400 लीटर पानी डालना है और फिर उसको मिक्स करके छोड़ना है। तीसरा हफ्ता फिर वही प्रोसेस करना है, चौथा हफ्ता फिर वही प्रोसेस करना है। चौथा हफ्ता पूरा होने के बाद में ये इस तरह से गाय का जो गोबर है वो बड़ा वाला खट्टा लाना है। बाबू गोबर दिखा नहीं, ये वाला ये गोबर था और ये प्रोसेस होने के बाद ये इस तरह से बना है। ये इसे घन जीवा अमृत कहते हैं क्योंकि इसमें जीवा अमृत मिक्स किया जाता है और इस तरह से घन जीवा अमृत बनाया जाता है। त्याचा वापर कसा कसा मातीमध्ये करतात, किती परसेंट?